आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई सातवें महीने का सातवां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 126 साल पहले 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में 6 फिल्में दिखाई गई थीं। टिकट की कीमत 1 रुपये थी। एक अखबार ने इस घटना को सदी का चमत्कार बताया था। इस घटना को भारतीय सिनेमा का जन्म माना जाता है। फिल्म दिखाने वाले थे ऑगस्टे लुमियर और उनके भाई लुई लुमियर। आज के दिन 7 जुलाई 1928 में अमेरिका के ओहायो में एक बेकरी ने स्लाइस्ड ब्रेड बेचने की शुरुआत की थी। लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि दूर दूर से लोग इस बेकरी पर ब्रेड खरीदने आने लगे। दरअसल उससे पहले ब्रेड स्लाइड फॉर्म में नहीं आता था। आपको बता दें कि पूरा ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के बाद घर पर काटना पड़ता था। अमेरिकन इंजीनियर ऑटो फ्रेडरिक रो वेडर ने एक मशीन बनाई थी जिसके जरिए ब्रेड को स्लाइस में आसानी से काटा जा सकता था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म आज के दिन 7 जुलाई 1981 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया भर के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है और आज ये एक कामयाब खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना करियर का पहला रणजी मैच साल 1999 में खेला था। 7 जुलाई 1999 में आज के दिन भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार की ओर से मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय आर्मी के होनहार अफसर थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी देश के लोगों की जुबान पर है। न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन ने दुनिया के 7 अजूबों की घोषणा आज के दिन 7 जुलाई 2007 में की थी। भारत के ताजमहल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। साल 2000 में स्विस फाउंडेशन ने 7 नए अजूबों को चुनने के लिए न्यू सेवन वंडर्स के नाम से कैंपेन शुरू किया था जिसमें वर्ल्ड वाइड पोल के माध्यम से 2017 में 7 अजूबों को चुना गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।